वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार आप सभी को मेरा, जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि अप्रैल के महीने से आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज रखेगा और ये हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली की एक सीरीज जिसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट को डेली यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि आज हम लोग इस सीरीज में आपके सामने लेके आए हैं एक टॉपिक जिसका नाम है महाऋषि। आज के समय ये महाऋषि टॉपिक बहुत न्यूज में है क्योंकि इसकी एक तो फुल फॉर्म है और भारत यहाँ पर मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर मना रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग ग्रेन्स मोटे अनाज को वापस से ताजा करने के लिए महाऋषि इनिशिएटिव चला रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी, जितने भी मेरे हिंदी इंग्लिश दोनों छात्र हैं। फुल फॉर्म है इसकी मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, जो कि G20 के समय भारत ने इसकी शुरुआत करी थी। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग महाऋषि के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, फुल फॉर्म से लेके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये इंडिया ने ही स्टार्ट करा है ताकि मिलेट्स मोटे अनाज के ऊपर हम लोग और ज्यादा बेहतर रूप से कार्य कर सकें। जरूरत थी इसकी इस चीज की बिकॉज हम लोग इसमें बहुत ज्यादा एक्सेल आगे कर सकते हैं। और देखते हैं इसके बारे में महाऋषि का, आपको ये पूरा वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉल करके पीडीएफ भी ले सकते हो। बाकी वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे कमेंट करेंगे प्यार देंगे जिसमें इतना ज्यादा व्यूज होंगे उतना ही डेली इसको अपलोड किया जाएगा, वरना अपलोडिंग रुक जाएगी। पर मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोगों यहाँ पर इस ऐसे ही डेली जो हम टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आप उसको डेली इंतजार करके कंप्लीट करें, सुने पढ़े समझे लिखे। देखते हैं हम लोग मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स जिसकी फुल फॉर्म महाऋषि की फुल फॉर्म मैंने आपको लर्न करवाई है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म। बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान पहल है ये जो एक सचिवालय रहेगा इसका वो हैदराबाद में रहेगा। कहाँ पे रहेगा इसका सचिवालय? हैदराबाद में रहेगा। हैदराबाद याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखनी है। इसका सेक्रेटरी जो है भारत में ही रहेगा, मतलब हर चीज इसकी जो है वो भारत में ही रहने वाली है। इसको टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल का मतलब होता है जो इसमें और जितनी भी मदद होंगी वो सपोर्ट जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस देंगे, जैसे ICRISAT, CGIAR सेंटर्स और भी ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें क्या किया जाएगा, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी पहचान करके उनको यहाँ पे वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस के तहत उन सबको रिसर्च वर्क करवा के महाऋषि मतलब कि जो हमारे मिलेट्स होते हैं उसकी प्रमोशन यहाँ पे करवाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बहुत जरूरी है आपको लर्न करना। कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। देख लीजिए मिलेट्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं मोटा अनाज, ये छोटे छोटे जो जो सीड होते हैं ना, छोटे छोटे से बीज वाली वार्षिक घास का एक सामूहिक रूप होता है, जो कि कहाँ उगाए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको उगाने के लिए हमें उपोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, समशीतोषण, इसके इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो किया जाता है। इंडिया में खूब ज्यादा ग्रो होते हैं मिलेट्स। हैदराबाद में इसका इंस्टीट्यूशन रखा गया है और मिलेट्स में सबसे खास बात यह है कि इनको ग्रो करने के लिए पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, अगर सूखा है तब भी ये ग्रो कर जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पे हेल्थ कॉन्शियस लोग ग्लूटेन फ्री होते हैं ये, जिससे आप कोई भी जो जो डायबिटिक वाले होते हैं ना वो भी इसको इस अच्छे से खा सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे होते हैं, जिसका एग्जाम्पल दूं मैं, इसमें रागी, ज्वार, बाजरा, वरिका, साम। सबसे पहली बार अगर मैं बात करूं इसका हमें कहाँ देखने को मिले थे मिलेट, सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया सबसे बड़ा इसको उगाने वाला पूरा है इंडिया, और उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद चाइना, ये तीन सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। और अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में इसको सबसे ज्यादा राजस्थान में ग्रो किया जाता है।
ठीक है, वो बात अलग है कि इसको इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो ज्यादा खाते नहीं है लोग, पर हाँ ये है अब इसको बहुत ज्यादा चीजें बढ़ने लग गई हैं, अब तो लोग इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, जानने लग गए हैं इसके बारे में जब से ये इनिशिएटिव्स आए हैं, और पूरा साल भर जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है, तो इसके तहत चीजें बढ़ गई हैं। तो आपको मिलेट्स के बारे में ये सारे याद रखने हैं, और अगर मैं बात करूँ प्रिलिम्स की, तो आपको प्रिलिम्स के उसमें ये समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जैसे फैक्ट्स तो अच्छे से याद करने, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे हमारी 2 मिनट की सीरीज। हाँ 2 मिनट का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 2 मिनट होंगे, वो आगे पीछे भी हो सकता है, पर हाँ ये आपको पूरे महीने भर के लिए सारी इंपॉर्टेंट सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। हर एक टॉपिक को, एक नए टॉपिक को हम लोग हर रोज डेली कवर अप करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज को बहुत प्यार दिया, व्यूज बढ़े इसके ऊपर, तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए हमेशा लेके आती रहेंगे, ताकि आपका एग्जाम में करंट अफेयर का कुछ भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो ये था हम लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक, मिलते हैं आप सभी लोगों से ऐसे ही अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।